किसानों के साथ आज पीएम मोदी का सीधा संवाद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना, सिर्फ इसी एक राज्य के किसानों तक नहीं पहुंच रहा है सम्मान निधि का पैसा। वहां के 70 लाख से अधिक किसान इस योजना के वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको ये पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल के 70 लाख किसानों का पैसा रुका हुआ है, लेकिन ममता और उनकी पार्टी पंजाब जाकर आंदोलन कर रही है। के पैसे किसानों को मिले इसके लिए क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी साधा निशाना, कुछ राजनीतिक दल इवेंट मैनेजमेंट में जुटे हुए हैं। उन्होंने नकार दिया है तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, एमएसपी को लेकर फैलाया जा रहा है असंख्य झूठ, कृषि सुधारों से बढ़ी सरकार की जिम्मेदारी। आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं, इन कृषि सुधारों से सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां बढ़ाई है। नरेंद्र मोदी ने कहा, कुछ लोग किसानों के नाम पर बहा रहे हैं आंसू, जबकि सरकार ने किसानों के हित में बनाया है मजबूत कानून। पीएम मोदी ने कहा, किसान देश में राज्य से बाहर कहीं भी बेच सकेंगे अपनी फसल। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तीसरी किश्त जारी, 9 करोड़ किसानों के खाते डाले गए हैं 18,000 करोड़ रुपए। 6 राज्यों में लगी 2500 किसान चौपाल, पीएम मोदी ने किसानों से पूछा उनका अनुभव। प्रधानमंत्री ने अलग अलग योजनाओं पर पूछा किसानों की राय, कहा किसानों को नए कानून से डरने की नहीं है जरूरत। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? कार्यक्रम के दौरान किसान कल्याण कार्यक्रमों पर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री, किसान से जुड़ी कल्याण योजनाओं पर फिल्म। किसानों ने पीएम के सामने खुलकर रखी अपनी समस्याएं, सम्मान निधि से होने वाले फायदे से खुश दिखे किसान। पीएम से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हमने किसानों को बातचीत के लिए दिया न्योता। कृषि मंत्री ने कहा, पश्चिम बंगाल के 74 लाख किसानों को भी मिल सकता है फायदा, राज्य सरकार से अपील, इस योजना से जल्द जुड़े। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को आग्रह किया है कि वो इस स्कीम को जल्दी ज्वाइन करें। पीएम से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया किसानों को संबोधित, कहा सरकार खुले दिल से बात करने को है तैयार। शाह ने कहा, विपक्ष ने किया किसानों को गुमराह। हिम्मत है तो आ जाओ, मैं रमेश उजुरू को चर्चा के लिए भेज दूंगा, वो बता देगा कि मंडियां बंद नहीं। दिल्ली के द्वारका में थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा हमारे प्रधानमंत्री किसानों के विरुद्ध कोई कदम नहीं उठा सकते। बहनों भाइयों, ये कल्पना कभी की जा सकती है कि हमारा प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा कदम उठाएगा जो कि किसानों के हितों के विरुद्ध होगा? वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा, राज्य में 3000 जगहों पर मनाया जा रहा है किसान सम्मान दिवस। किसान अब साकारों के या कहीं भी किसी सूदखोर के चपेटे में नहीं आ पाएगा, अन्नदाता किसान की खुशहाली प्रदेश और देश की खुशहाली बनेगी। अमेठी में किसान चौपाल में मौजूद हैं स्मृति ईरानी, कहा मोदी और योगी के शासन में कोई साजिश नहीं चली। 5 दिनों के भीतर सरकार ने किसानों को लिखी दूसरी चिट्ठी, कहा बातचीत की तारीख और वक्त तय करने की अपील। सरकार ने चिट्ठी में किसानों को दिलाया भरोसा, लिखा सभी मुद्दों पर खुले मन से बातचीत को तैयार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया, रोकने पर जबरदस्त हंगामा। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर यूपी की सीमा में घुसाए किसान, पुलिस ने कहा प्रदर्शनकारी किसानों की वीडियोग्राफी, दर्ज होगा केस। लुधियाना में रिलायंस के एक पेट्रोल पंप को किसानों ने घेरा, पेट्रोल डीजल बेचने पर रोक। बठिंडा में भारतीय किसान यूनियन ने बीजेपी दफ्तर का किया घेराव, भारी पुलिस बल की तैनाती।
जालंधर में पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर का घेराव करने निकले थे किसान, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। हरियाणा और पंजाब में किसान संगठनों की नई रणनीति, 3 दिन तक टोल प्लाजा फ्री रखने का ऐलान। रोहतक में किसान संगठनों ने 3 दिन के लिए किया टोल फ्री, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। किसानों ने करनाल टोल करवाया बंद, धरने पर बैठे किसान। हरियाणा के सिरसा में टोल प्लाजा को किसानों ने करवाया पर्ची फ्री, नाके पर पुलिस तैनात, कर्मचारी गायब। सोनीपत में किसानों ने पहुंचकर टोल को फ्री करवाया, स्थानीय प्रशासन को दी गई खबर। कृषि विधेयक बिल के विरोध में पंजाब के आनंदपुर साहब से दिल्ली आ रहा एक परिवार 6 दिन से चल रहा है पैदल। पठानकोट में बीजेपी के कार्यक्रम में पहुंचे किसान, विरोध में हंगामा। नेशनल हाईवे पर भी किया जाम, गाड़ियों की लगी लंबी कतारें। किसानों के समर्थन में आए विश्व प्रसिद्ध चित्रकार गुलवंत सिंह, पेंटिंग बनाकर संघर्ष का समर्थन। केरल से किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के लिए रवाना किए गए 20 टन अनानास। आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती, समाधि स्थल सदैव अटल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए समाधि स्थल पर, वाजपेयी के योगदान का किया स्मरण। गृहमंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, समाधि स्थल पर भजन का आयोजन। पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर संसद के केंद्रीय कक्ष में तस्वीर पर माल्यार्पण, मोदी वाजपेयी की पुस्तक का भी उन्होंने किया है आज विमोचन। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बनाई गई 97 फीट की पेंटिंग, पूर्व प्रधानमंत्री के 51 कविताओं को भी दी गई है वहां पर जगह। फिर भारतीय सीमा पर दिखा पाकिस्तान का ड्रोन, बीएसएफ ने उड़ाया। समुद्री सीमा उल्लंघन करने के आरोप में बांग्लादेश में 16 भारतीय मछुआरों को पकड़ा गया, सभी भेजे गए जेल। गिरिडीह के नक्सल प्रभावित इलाके पीरटांड में पुलिस कैंप का विरोध, हथियार के साथ सड़कों पर उतरे गांव वाले। वाराणसी में शूटिंग के दौरान अभिनेता जॉन अब्राहम को लगी चोट, इलाज के लिए पहुंचे निजी अस्पताल। पप्पू यादव के जन्मदिन पर पार्टी में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां, बिना मास्क के नजर आए कार्यकर्ता। पंजाब के 2 जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन, 28-29 दिसंबर को लगेगा टीका। तेलंगाना में ब्रिटेन से लौटे 7 लोग कोरोना पॉजिटिव, नए स्ट्रेन की जांच के लिए भेजा जाएगा सैंपल। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1063 नए मामले, एक दिन में 37 लोगों की जान गई। देश में पिछले 24 घंटे में सामने आए 23,000 से ज्यादा नए मामले, 1,46,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 336 लोगों की मौत, अब तक 1,47,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने जमकर की तोड़फोड़, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया है इसका आरोप। सामने आए सीसीटीवी फुटेज, दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर में जाते दिख रहे हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा में सियासी बवाल, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत, पुलिस ने भाजी लाठियां। पूर्व तेज गेंदबाज चेतन शर्मा बने नए चीफ सेलेक्टर, एबी कुर्गला और देवाशीष मोहंती बीसीसीआई सीनियर चयन समिति के नए सदस्य। आईपीएल में 10 टीमों को मिली मंजूरी, 2 नई टीमों को मिलेगी एंट्री। तहसीलदार ने मजदूर को मारी लात, वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने सादी चुप्पी। फरियादी ने दारोगा पर लगा दिया रेप का आरोप, एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। कांस्टेबल में पुलिस वालों पर ही लगाया प्रताड़ित करने का आरोप, डीजीपी से लगाई है गुहार। गाड़ी वाले की लापरवाही से गई स्कूल सवार छात्रा की जान, बिना इंडिकेटर गाड़ी टर्न करने से हुआ है हादसा। मंदिर में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, सीसीटीवी में कैद हुआ छात्र चोर। बाइक चोरी के आरोप में पकड़े गए छात्र, चोरी की 36 बाइक बरामद। सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने वार्ड पार्षद के पति को गोली मारी, अस्पताल ले जाने के दौरान मौत। दहेज के लिए बहू को जलाने की कोशिश का आरोप, पति, ससुर और देवर समेत 4 लोग गिरफ्तार। पकड़ में आए 17 साल के लड़के की हत्या के दोनों आरोपी, मामूली विवाद में बदला लेने के लिए किया था कत्ल। आगरा में बरामद दवाइयों का आतंक, कनेक्शन का शक, 300 किलो ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल बरामद। दिल्ली में ठंड और कोहरे की दोहरी मार, सुबह के वक्त करीब 50 मीटर होती है विजिबिलिटी। यूपी में ठंड की जबरदस्त मार, घने कोहरे ने भी लोगों का किया हाल बिगाड़। हरियाणा और पंजाब में सर्दी का जोरदार सितम, पंजाब के आदमपुर में 1.6 डिग्री और लुधियाना में 2.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। जोरदार शीतलहरी की चपेट में उत्तराखंड, गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र में बर्फबारी के बाद गंगा और यमुना घाटी में ठंड ने किया बेहाल।
चमोली में फिर बदल रहा है मौसम का मिजाज, तापमान में गिरावट के चलते जम गए हैं बहते नाले। गोवा में क्रिसमस की धूम, आधी रात की प्रार्थना सभा में शामिल हुए श्रद्धालु। बेलूर मठ में पारंपरिक अंदाज में मना क्रिसमस, यीशु के जन्मदिन पर कटा केक। कोलकाता के सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च में मिडनाइट मास सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों ने की प्रार्थना। कोची में दिखा कोरोना का असर, मिडनाइट मास के लिए पहुंचे बहुत कम श्रद्धालु। मुंबई में भी क्रिसमस की रौनक, आधी रात प्रार्थना के लिए चर्च में पहुंचे श्रद्धालु। चेन्नई में वैसे ही सीआईएस चर्च में क्रिसमस समारोह, कोविड प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल मास। यीशु के जन्म के साथ ही फिजाओं में गूंजा कैरोल, कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों ने की प्रार्थना। क्रिसमस पर सांता का अनोखा अंदाज दिखा, सड़कों पर बांटे गए हेलमेट। क्रिसमस पर जगमगा उठा इटली का ट्रूली लाइटस्टोन हट, कोरोना के कारण इस साल पसरा है सन्नाटा। रोमानिया में क्रिसमस की रौनक, 10 लाख एलईडी लाइट से जगमग हुई राजधानी बुखारेस्ट। दुनिया में 7,91,00,000 के पार पहुंचे कोरोना मरीजों की तादाद, 17,40,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1,90,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 3,34,000 से ज्यादा की हो चुकी है जान। ब्रिटेन में कोरोना के एक और नए स्ट्रेन से दहशत, दक्षिण अफ्रीका से आए 2 लोगों में पाया गया नया वायरस। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को इंग्लैंड में पाए जा रहे नए स्ट्रेन के खिलाफ बताया सुरक्षित, कहा जा रही है आगे की रिसर्च। कनाडा के मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन को दी मंजूरी, ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट पर 72 घंटे तक और बढ़ाई रोक। कोरोना संकट में लोगों की मदद कर रही है ट्रंप की बेटी इवांका, फ्लोरिडा में जरूरतमंदों को बांटे फूड पैकेट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डिफेंस पॉलिसी बिल पर लगाया वीटो, कहा रूस और चीन को होगा फायदा। ट्रंप ने ईरान को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी, बगदाद में अमेरिकी दूतावास को लेकर नाराजगी। ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन में 10 महीनों की लंबी बातचीत के बाद ब्रेग्जिट ट्रेड डील पर बनी सहमति, ब्रिटिश पीएम बोले ये बड़ी डील है। नेपाल में मध्यावधि चुनावों की घोषणा के बाद सड़कों पर उतरे सियासी दलों के कार्यकर्ता, केपी शर्मा ओली के फैसले पर जबरदस्त नाराजगी।